गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा मैसूरी में दूसरा दिन। गाइस कल यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था तो भयंकर ठंड थी और अभी उठने में काफ़ी टाइम लग गया है क्योंकि रात को स्नोफॉल हुई थी, सर्दी भयंकर लग रही थी और एक बार सुबह नींद खुली और दोबारा से नींद लग गई, तो इसलिए मॉर्निंग के शॉट्स नहीं आ पाए, सॉरी गाइस। बाकी अभी आप देखें दिन में जो मेरा जो होटल है वहाँ से मैसूरी का क्या नज़ारा है और बाकी आज अपन मैसूरी को एक्सप्लोर करेंगे पूरे दिन भर में कि कहाँ कहाँ पर जाते हैं वो सारा शूट करने वाले हैं अपन कैमरे में। तो अभी कुछ इस तरीके से मैसूरी का नज़ारा है यहाँ से मेरे होटल से। तो वहाँ पे ITBP का कैंप है, वहाँ पे आप देख सकते हैं और ऊपर पहाड़ी तक, वहाँ तक भी आज मैं जाने वाला हूँ, देखने वाला हूँ वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं आपको भी दिखाएंगे। और इधर कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक जगह पे कुछ डायमंड्स से चमक रहे थे, लाइट इस तरीके से चमक रही थी कि जैसे डायमंड्स हो, तो वो वाली जगह है ये वाली। वो जो जगह देख रही है आपको जहाँ पे बादल से दिख रहे हैं, थोड़े धुआं धुआं सा दिख रहा होगा, वो वाली जगह रात को चमक रही थी लाइटिंग से। तो वहाँ पे शहर है, अब कौन सा शहर है वो मुझे पता नहीं है। बाकी आज हम जाने वाले हैं धनोल्टी। धनोल्टी वो जगह है जहाँ पर अभी मतलब देहरादून और मैसूरी के आसपास की वो ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फबारी है, भयंकर बर्फ है, जहाँ पर अभी भी वहाँ पर बर्फ होगी शायद मैं भी, क्योंकि कल मैंने बात की थी तो कल वहाँ पर भयंकर बर्फ थी, वहाँ पर बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं थी, मतलब गिर रही थी, फिसल रही थी। अब आज देखते हैं अपनी बाइक वहाँ तक जा पाती या नहीं जा पाती है। तो अभी मैं जल्दी से पैकिंग कर लेता हूँ, थोड़ा कंप्यूटर पे काम है उसको फिनिश करके और फिर अपन यहाँ से होटल को छोड़ के आगे निकलते हैं। भाई कमेंट करके बताना मैंने जो होटल लिया है तो लोकेशन कैसी है। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ज़्यादा आ रही होगी, GoPro का मेरा माइक कभी है नहीं, आया नहीं, तो मैं बताना चाह रहा था कि धनोल्टी जा नहीं रहे क्योंकि धनोल्टी नहीं जाने का कारण है बर्फ। वहाँ पर भयंकर बर्फ़ है, बर्फ़ के लिए ही तो मैं जा रहा था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियाँ निकलना इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और मैंने यहाँ के लोकल से पूछा, उन्होंने बोला है कि रास्ता बंद है, वहाँ पर आप नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ कैंपटी फॉल। जब भी चलाओ आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन रखना क्योंकि पतले रास्ते हैं, बगल में पहाड़ी है, मतलब खाई है, तो एकदम से कोई सामने से वाहन आता है तो आगे वाली रुकती है और अगर आपने डिस्टेंस नहीं बना के रखा ना तो एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं और हो सकता है कि टचिंग हो जाए, ठुक जाए। तो इससे बढ़िया है डिस्टेंस बना के चलो आगे वाली गाड़ी से। और ऐसे अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड वाले रास्तों पर ना ब्रेक लगाना और फिर से गाड़ी को वापस से उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। गाड़ी की बात करें तो भाई साहब पहले दूसरे गियर में चलती है, बस तीसरा गियर यहाँ पे लगाना भूल जाओ, आप लगा लोगे लेकिन मेरे हिसाब से मत लगाना कभी आओ तो, और लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि रास्ते ऐसे कहाँ से कहाँ मुड़ जाए किसी को नहीं पता, सामने से कैसी गाड़ी आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही, तो बढ़िया है दुर्घटना से थोड़ी देर की भली। और वैसे भी यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं अपन लोग और ज़्यादातर लोग घूमने फिरने ही आते हैं यहाँ पर, तो बढ़िया है ना, क्यों दुर्घटना करें। यहाँ पर आप गाड़ियों के नंबर देखना, ज़्यादातर गाड़ियाँ बाहर की मिलेंगी आपको। गाइस सामने बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पे। अब धनोल्टी जाना होता तो हमें भी बर्फ़ देखने को मिलती वहाँ पे, लेकिन जाने नहीं दिया धनोल्टी, रास्ते बंद हैं। ऊपर देखो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है यार। तो गाइस क्या हाल चाल है, तो मैं अभी जा रहा हूँ कैंपटी फॉल और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने बाइक ली है, तो अब उस टाइम तो मैं बता नहीं पाया था कि कौन सी बाइक है क्योंकि रात हो गई थी और मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा लेकिन उस टाइम नहीं बता पाया। तो मैंने लिए गाइस ये वाली बाइक रॉयल इनफील्ड, तो आप देख पा रहे हैं ये वाली गाड़ी ली है मैंने।
350cc की रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड। तो ये देख लीजिए, अभी अभी ये पंचर भी हो गई है, ठीक है, अभी अभी ये पंचर हुई है और इसका पंचर निकलवाया है मैंने। और जो पंचर हुई है ना, वो जगह ये शायद यहाँ, ये रही, ये यहाँ पे, ये ट्यूबलेस है इसका टायर, ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ी, इसलिए बच गए। और एक और जो GoPro है ना, उसमें मैंने ये वाला माउंट किया हुआ है, तो इससे क्या है कि ये पूरा बंद नहीं होता, ये ऐसे पूरा बंद नहीं हो रहा। तो यार बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ठंडी पड़ रही है। और यहाँ पे ठंड का माहौल मैं बता दूँ आपको कि जो ये रास्ते हैं ना, जैसे ये वाला रास्ता है अपना इधर, तो इसके करीब जितनी भी जगह है ना, अभी यहाँ पे तो क्या है कि धूप पड़ रही है, इधर से ऊपर ये धूप है, तो यहाँ पे धूप पड़ रही है, तो थोड़ी सी बर्फ़ पिघल गई, नहीं तो घास पे, ये जो घास उगी हुई है ना बगल बगल में, इन पे सब पे बर्फ़ जमी हुई है, और अभी भी बर्फ़ जमी हुई है अगर आप कैप्चर देख पा रहे हो तो, शायद पता नहीं देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ पे अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। और सामने जो पहाड़ है, वो उस पहाड़ के ऊपर वाले वाइट कलर के पहाड़, वो सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो गाइज़ क्या शानदार नज़ारा है यार यहाँ का, तो क्या बोलते हो, मैसूरी पहाड़ों की रानी, इसीलिए बोलते हैं मैसूरी को पहाड़ों की रानी। तो गाइस कैंपटी फॉल तो अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन उससे पहले भूख लगने लगी है, क्योंकि बज गई है 12 और या शायद 1। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा ढाबा है ये इस टाइप का, तो अब यहाँ पे आप देख लो कितने मस्त मस्त ढाबे हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा खाने को, लेकिन यहाँ पे मैगी मिल जाएगी, पराठे मिल जाएंगे। तो मैंने 2 पराठे ऑर्डर कर दिए हैं, तो उनको खा के फिर आगे चलेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पे होटल्स किस तरीके के होते हैं, जैसे एक होटल ये यहाँ पर है, तो ये पहाड़ी के ऊपर, और नीचे देखो, और इधर का नज़ारा देखो, यहाँ का व्यू मतलब एकदम शानदार वाला। और इसी तरीके के बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, जो भी कोना आएगा ना, हर कोने पे आपको एक ना एक टी स्टॉल या फिर इस टाइप के होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मैगी मिल जाएगी, इनको मैगी पॉइंट्स भी बोलते हैं, और जो थोड़ी बहुत आपके पेट पूजा यहाँ से हो जाएगी। गाइज अभी हम आ चुके हैं कैंपटी फॉल, तो इसे वो बोलते हैं कैंपटी फॉल। गाइज देखा मैसूरी कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आके मुझे तो मजा आ गया, इतनी खूबसूरत जगह पे आज से पहले मैं कभी नहीं गया था। झरने का नजारा देखो कितना ज़बरदस्त है, अभी मेरे हॉट फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री है, बहुत भयंकर है, बर्फ़ भयंकर ही जमती है यहाँ पे। और मैं जाना चाहता हूँ उस जगह पे, वहाँ पे जाके मैं ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ। अब वहाँ का रास्ता किधर से है पता नहीं, बजवारा वहाँ से है शायद। तो गाइस फाइनली मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ मेरे को ड्रोन उड़ाना है, ये पूरा गोला देखो कैंपटी फॉल। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ मैसूरी झील, ये मैसूरी झील है, यहाँ गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है, और अभी मैसूरी झील जा रहा हूँ। तो मैं बता दूँ यहाँ पे टिकट भी लगता है, ठीक है, बिना टिकट के यहाँ पे घुसने नहीं देते हैं। तो मैंने टिकट ले लिया है, वीडियो बाद में स्टार्ट करिए। तो गाइज ये मैसूरी लेक पे मैं आ चुका हूँ, वैसे कोई इतनी ज़्यादा बड़ी ये लेक मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर एक्चुअली में पानी लाने का तरीका क्या है कि जो पहाड़ों का पानी है ना, उसको इकट्ठा करके कुछ स्पोर्ट्स बना रखे हैं, तो वहाँ से ऐसे जैसे समरसेबल चलती है ना अपनी मोटरें मशीनें, उसकी तरह पानी आ रहा है। तो जितना भी पानी है सब पहाड़ों का है, ये पानी यहाँ पर
किसी भी तरीके से वो नहीं है, आवाज़ आ रही होगी आपको भी मैं बताऊंगा स्पॉट जहाँ से पानी आ रहा है, और छोटी सी लेके, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक लगा लो आप अपना स्विमिंग पूल जैसी। तो गाइज ये कुछ इस तरीके की लेक है और ये पानी आ रहा है, तो इस तरीके से पानी आ रहा है इसमें, ये एक नाली सी बनी हुई है और ये पानी आ रहा है सारा पहाड़ों का। और ये मैं बता रहा था ना जैसा मैंने अभी देखा था, तो एक स्विमिंग पूल की तरह ही है ये, नेचुरल स्विमिंग पूल। तो गाइज ये है मैसूरी झील, तो यहाँ तक का आज का सफ़र हो गया पूरा, अंधेरा होने लगा है। सो गाइज नाउ आई एम एट माल रोड, इसे आप मैसूर का मेन मार्केट भी कह सकते हैं, वैसे इसे माल रोड मार्केट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर इसको मैसूर का मार्केट कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मैसूर में इतना बड़ा मार्केट जहाँ के पे आप कपड़े ख़रीद सकते हैं या जो भी शॉपिंग है आपकी वो कर सकते हैं, तो वो सिर्फ यही जगह है। तो इसको मैसूरी मार्केट कहना ज़्यादा बढ़िया होगा माल रोड से, क्योंकि जब माल रोड का नाम आया था, ये माल रोड मार्केट बहुत अच्छी जगह है, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा था जैसा कि टाइम स्क्वायर, कि चारों तरफ शॉप्स होंगी, कोई बड़ा सा चौक होगा, बहुत सारा क्राउड होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का ये माल रोड, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वैसे तो 2-2.5 किलोमीटर का है पूरा माल रोड और मार्केट है जो भी आपका, अभी मैं हूँ स्टेट बैंक है, ये बैंक है, और इधर कोई रेस्टोरेंट है, ये कालसंग रेस्टोरेंट है, और इधर पीछे देखेंगे तो पूरी स्ट्रीट पे शॉप्स ही शॉप्स हैं। तो और एक और बड़ी बात माल रोड की, अगर यहाँ पे आप आते हो तो जैसे ही घुसते हो ना इस मार्केट में, तो सबसे पहले आपको 100 रुपये की एक पर्ची कटानी पड़ेगी, वरना आप अंदर एंटर नहीं कर सकते इसके। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये सबकी काटते हो आप पर्ची 100 रुपये की, तो उन्होंने बताया कि हाँ सबकी कटती है, जो मैंने कहा लोकल्स की, लोकल्स को पास बनवाना पड़ता है, 1000 का पास बनता है पूरे साल भर का, ठीक है भाई अब जो भी है। तो अपनी बाइक ये रही, तो अपना तो बाइक का 100 रुपये का बन गया, लेकिन हाँ बड़ी बात उन्होंने मेरे को कोई पर्ची नहीं दी, अब पता नहीं देखते हैं। बाकी यही माल रोड है यहाँ का मैसूरी का। तो गाइज कल रात को वीडियो एंड नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी, माल रोड से आते आते ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ मैसूरी में, टेम्परेचर मेरे हिसाब से तो 0 से नीचे चला गया था, भयंकर सर्दी लग रही थी, इसलिए मैं रजाई में घुस गया और सो गया यहाँ पे। ये मेरा पूरा सामान ऐसे कैसे बिखरा पड़ा है, अभी ये सारा समेटना है। तो गाइज़ बस इस वीडियो में, इस व्लॉग में इतना ही था, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है गाइज़, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, जल्दी से 5000 सब्सक्राइब करवा दो यार जल्दी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले दिन, ओके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।